हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी वूमेन। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम और लहसुन की सब्ज़ी। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप भी अपने घर में इसे पकाइए और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, हमने पहले मशरूम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और उसके बाद हमें चाहिए लहसुन, प्याज और मसाले, मक्खन और हरा धनिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो हमने पहले मक्खन डाल दिया और इसमें हमने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम और इसे जब तक इसमें से पानी अब्जॉर्ब नहीं होता तब तक इसे थोड़ा ढक के रखेंगे और ये हल्का सा ब्राउन भी हो जाएगा मशरूम और प्याज। और 10-15 मिनट के बाद ये देखिए, ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और इसे भी मिक्स कर देंगे, हल्का हल्का इसे भुनेंगे। जब ये थोड़े ब्राउन हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे आपका हल्दी, मिर्च और नमक। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें हल्का सा सिरका यूज़ करेंगे, एक दो तीन बूंदे। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है तो आप नींबू भी डाल सकते हो। और हम इसमें हल्का सा सिरका डाल देंगे और 10-15 मिनट के लिए, फिर पकने के लिए रख देंगे। और ये आपका मशरूम और लहसुन की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और आप इसे चपाती के साथ ले सकते हैं या परांठे के साथ ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी रेसिपी के साथ या किसी बगीचे में, किसी खेत में।